गांधी जयंती की रात्रि एनसीबी ने एक हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी का भांडाफोड़ किया है। ये ड्रग्स पार्टी मुंबई से गोवा जाने वाले एक क्रूज में चल रही थी, जिसमें करीब 1800 लोग शामिल थे। इस मामले में एनसीबी ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि सालों पहले शाहरुख खान ने अपने बेटे को लेकर कुछ ऐसा कहा था जिससे सब हैरान रह गए थे। शाहरुख ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो चाहते हैं उनका बेटा आर्यन वो सारे गलत कार्य करे जो वो जवानी में नहीं कर पाए। शाहरुख खान ने ये भी कहा था कि उनका बेटा चाहे तो ड्रग्स भी ले सकता है। और आज जब आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में हिरासत में लिया है, तो शाहरुख खान का ये इंटरव्यू वीडियो वायरल हो रहा है। शाहरुख खान ने पुराना इंटरव्यू सुर्खियों में छाया है, जो उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल को दिया था। सिमी ग्रेवाल ने शाहरुख से ये पूछा था कि वो आर्यन का पालन पोषण कैसे करेंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था वो चाहते हैं कि आर्यन वो सारे काम करे जो वो अपनी टीनेज में नहीं कर सके। शाहरुख ने कहा था कि वो काफी कुछ ऐसा करना चाहते थे जो कि वो चाह कर भी नहीं कर सके, क्योंकि उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। शाहरुख ने सिमी ग्रेवाल से कहा था कि जब आर्यन 3 से 4 साल का हो जाएगा तो मैं उसे कहूंगा कि वो लड़कियों के पीछे जा सकता है, ड्रग्स ले सकता है, सेक्स कर सकता है। बेहतर तो ये है कि वो सब जल्दी शुरू कर दे जो मैं नहीं कर सका। अगर आर्यन घर से बाहर जाता है तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ काम करने वाले लोग जिनकी बेटियां हैं वो आकर मेरे पास उसकी शिकायत करें। तो दोस्तों, ऐसा कुछ कहा था शाहरुख खान ने, और आज देखिए उनके बेटे आर्यन खान वाकई में एक ड्रग्स केस में फंसते हुए दिख रहे हैं। बॉलीवुड दुनिया की हर खबर को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल।